आज हम बना रहे हैं सोया भुर्जी। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 1 कप सोयाबीन, 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक कटा। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है लाल मिर्च पाउडर, गर्म मसाला, हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, धनिया पाउडर, पूरा गर्म मसाला जिसमें मैंने लिया है 1 तेज़पत्ता, जीरा, दालचीनी का टुकड़ा और लौंग और काली मिर्च। मैंने यहाँ पर लिए 2 हरी मिर्च बारीक कटी और हरा धनिया। मैंने यहाँ पर सोयाबीन को बॉईल करने के लिए 2 कप पानी उबलने के लिए रखा है। इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। पानी में उबाल आ गया, उसके बाद मैंने इसमें सोयाबीन डाली है। अब हम सोयाबीन को 2 से 3 मिनट तक इसमें उबलने देंगे। ये हो गई है, अब गैस बंद करके इसको हम ठंडे पानी से धोएंगे। मैंने इसको ठंडे पानी से धोकर इसका सारा पानी निचोड़ दिया है। अब हमको इसको पीसना है। इसको पीसने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सर जार लिया और अब मैं इसमें इसको डाल रही हूँ। हम इसको पीस कर इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट तो नहीं, अच्छा सा दरदरा सा ये पिस जाएगा इस तरीके से। देखिए हमको इसको इस तरीके से पीसना है। मैंने यहाँ पर एक पैन में तेल गर्म होने के लिए रखा था। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें पूरा गर्म मसाला डालेंगे। मैंने यहाँ पर डाला इसमें तेज़पत्ता और बाकी की चीज़ें ली थी जो मैंने, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च और लौंग, वो भी इसमें ऐड किया है। ये थोड़ा सा सोते हो जाए। इसके साथ ही अब मैं इसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा वो डाल रही हूँ। हम इसको अच्छे से पकाएंगे। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पकाएंगे। प्याज थोड़ा सा पक जाए उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब साथ में हरी मिर्च, मैंने यहाँ पर 2 बारीक कटी हरी मिर्च ली थी, वो भी इसमें ऐड की है। हम अच्छे से हमको प्याज को पकाना है। प्याज पक चुका है, अब हम इसमें दूसरे मसाले ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जले नहीं, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी सूख गया है, तेल ऊपर आ गया है, यानी हमारी ग्रेवी तैयार है। अब इसमें हम पिसा हुआ सोयाबीन डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें हरा धनिया और गर्म मसाला, 1 टीस्पून गर्म मसाला भी ऐड करेंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छे से मिक्स भी हो गया है, और हमको इसका जो थोड़ा थोड़ा भी पानी अगर इसमें बचा हुआ है उसको ड्राई होने तक इसको पकाना है। इसका पानी ड्राई हो चुका है, ये पक चुकी है। अब मैं लास्ट में इसके ऊपर टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। हमारी सोयाबीन भुर्जी रेडी है, इसको सर्व करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।